जय श्री कृष्ण दिख रहे हैं उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही ननन्नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बरभागनी के ये चरण चिन्ह है। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसीलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अहोभाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस राज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी उधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपों के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही शोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते, मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गरती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं। उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो ना हो, यहाँ उस कामिनी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेसी को नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेसी के केस सवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं
उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई बन बन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती है केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं, अब तुम जहां चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो।